17 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। देवी के स्वागत करने की तैयारियां आपने शुरू कर दी होंगी। ऐसे 7 कार्य आपको अवश्य करने चाहिए जो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मैं निशा गई, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको बताने जा रही हूँ ऐसे क्या 7 कार्य आप इस नवरात्र जरूर करें जिससे कि आपका घर खुशियों से, धन से, वृद्धि से बढ़ जाए। सबसे पहले तो आपने अपने घर स्वागत करने के लिए अपने घर के द्वार को आम के पत्तों से सजाना है। मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाया जाता है, उस पे आप चाहें तो स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं। हम हर शुभ कार्य में अपने घर के द्वार को आम के पत्तों के तोरण से सजाते हैं। कहते हैं कि आम के पत्तों का जो तोरण होता है वो विघ्न को हरता है। दूसरा जो मुख्य कार्य आपने करना है वो ये है कि आपने हर रोज तुलसी के को जल देके तुलसी के ऊपर दिया भी जरूर जलाना है। तुलसी जो है वो साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, देवी का रूप मानी जाती है। अगर हम तुलसी में दिया जलाते हैं तो इससे हमारा स्वस्थ और एनवायरमेंट जो है वो साफ होता है। तीसरा जो मुख्य कार्य है वो आपने ये करना है कि आपने अपने घर के द्वार पे स्वास्तिक का निशान बनाना है हल्दी से। आप चाहें तो अपने मंदिर के द्वार पे भी स्वास्तिक का निशान मंदिर बना सकते हैं। इससे घर का माहौल जो होता है उसमें ऊर्जा बनी रहती है। मन की जितनी भी नकारात्मकता जितनी भी होती है, जितनी भी आदमी के मन में नेगेटिव विचार होते हैं वो दूर होते हैं। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कलश की स्थापना। कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए क्योंकि माना जाता है कि कलश में खुद ब्रह्मा जी का निवास होता है। कलश आप तांबे का ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए, लेकिन स्टील का मत लीजिएगा। कलश के ऊपर आपने 5 पत्ते आम के रखने हैं, उसके ऊपर आप उसे ढक्कन से ढक दीजिए और नारियल भी उसके ऊपर रख दीजिए और उसे मूली बांध दीजिए नारियल को। ये एक तरीका है कलश स्थापना का। और चौथा, पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि माता की आपने स्थापना देवी की करनी है। देवी की स्थापना करने के लिए आप एक लकड़ी का चौकी ले लीजिए या आप कोई भी चीज ले लीजिए जिसके ऊपर कि आप लाल कपड़ा बिछा लें, उसमें आप देवी की स्थापना कीजिए, फूलों से उनको अर्पण कीजिए और अखंड ज्योत आपने रोज जलानी है। जी हाँ, अखंड ज्योत घी की होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, अखंड ज्योत का जो मुंह है वो देवी के राइट हैंड साइड पे आप अपनी अखंड ज्योत को रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पे आपकी देवी की स्थापना की है उसके राइट हैंड साइड पे आप अखंड ज्योत को रखें। और जब भी आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र बहुत ही आसान है। दीपो ज्योतिर पर ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, प्रातः दीपम नमस्तुते। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अखंड ज्योत जलाएं। सातवीं जो चीज है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए वो है जौ का रोपण करना। मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें जौ डालिए और उसको जौ में रोज जल डालिए और उसमें थोड़ी सी मूली डाल दीजिए। अन्न जो है हमारे घर में वृद्धि और धन का संकेत है, तो हम अन्न से घर में वृद्धि आती है, धन का आगमन आता है। अगर आप ये 7 चीजें इस बार नवरात्रि में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विघ्न धीरे धीरे कम हो गए हैं, ब्रह्मा की कृपा भी आपके घर में रहेगी, लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी और माता दुर्गा की कृपा भी रहेगी। तो ये 7 चीजें आप अपने नवरात्रि में जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने घर में खुशियों को बरकरार रखिएगा। नव ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके आपके सामने मैं रोज प्रस्तुत होंगी। नमस्कार, नवरात्रि शुभ हो आपके लिए।